मेरे पास एक डीसी स्टेप डाउन रेगुलेटर पावर सप्लाई है जो 0 से 1 से 40 वोल्ट तक रेगुलेट करके मुझे देगी वो आउटपुट में। इनपुट सेक्शन में मैंने 12012 का एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया है जो यहाँ पे, उसके बाद एक रेक्टिफायर सेक्शन है इनपुट के ट्रांसफार्मर के आउटपुट से रेक्टिफायर लगा हुआ है जिसमें 5408 डायोड प्रयोग किया है जिसकी करंट रेटिंग 3 एम्पीयर तक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिल्टर सेक्शन, जैसे ये मेरा डायोड है ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है, उसके आउटपुट फिल्टर लगाया है कैपेसिटर जिसकी रेट 1000 माइक्रो MFD और 50 वोल्ट तक है, जो उसके बाद इसके आउटपुट से जो कैपेसिटर को पैरेलली में कनेक्ट किया, उसके बाद रेगुलेटर लगाया जो या रेगुलेटर या बक कन्वर्टर भी कह सकते हैं जिसमें IC2596 में प्रयोग किया गया है जो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है डिस्प्ले करने के लिए, ये मेरा एक वोल्ट मीटर एमीटर है और ये वेरिएबल के लिए जैसे रेगुलेट करने के लिए 0 से 40 वोल्ट के आसपास, तो ये रेगुलेटर लगाया 100K का पोटेंशियोमीटर है। वोल्ट मीटर को मैंने पैरेलली में कनेक्ट किया है जो आप देख सकते हैं, और वोल्ट मीटर को ऑन करने के लिए मैंने यहाँ से फिल्टर के बाद एक LM317 लगाया है जिसकी आउटपुट है 0 से 22 वोल्ट तक, पर मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट तक रेगुलेट करवा के डिस्प्ले को ऑन करवाया है। ये मैक्सिमम 37.7 वोल्टेज दे रहा है। थैंक यू। देखते हैं यहाँ पे 12012 ट्रांसफार्मर है, उसके बाद ट्रांसफार्मर के आउटपुट से मैंने यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर में कनेक्ट किया है जो 5408 डायोड है, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है जिसकी रेटिंग है 50 वोल्ट 1000 MFG, उसके बाद इसके आउटपुट से मैंने बक कन्वर्टर के इनपुट में दिया है जिस इनपुट में एक 100 MFD और 50 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके आउटपुट से जो पिन नंबर 1 है उसके 2596 IC है उसके पिन नंबर 1 पे इनपुट सप्लाई दिया, उसके बाद पिन नंबर 2 से मैंने आउटपुट सप्लाई ले लिया, 4 नंबर इसका फीडबैक है, 2 नंबर ग्राउंड है, 3 और 5 नंबर भी ग्राउंड है। उसके बाद आउटपुट में एक 220 MFD और 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया है जो 1.8 वोल्ट से 37.8 वोल्ट तक रेगुलेट करके देगी। उसके बाद इसी के साथ एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट है जो 100 किलो ओम का है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ मैंने आउटपुट चेक देखने के लिए मैंने वोल्ट मीटर एमीटर लगाया है उस जो पैरेलली में वोल्ट मीटर कनेक्टेड है बक कन्वर्टर के साथ, और रेगुलेट उसके साथ सीरीज में जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसके सीरीज में ये करंट मीटर कनेक्टेड है, और मैं इसका डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक डीसी मोटर है, जो आपको दिख रहा है 7.4.5 वोल्ट अभी मैंने सेट कर रखा है और 1 एम्पीयर के आसपास दिखा रहा है। अब इसकी वोल्टेज बढ़ाने पे ठीक है, ये मैंने अभी डीसी मोटर को रेगुलेट कर चला के दिखाया। थैंक यू।